हेलो गाइस, नमस्ते। आज हमारे घर पे हम प्याज की कचौड़ी बना रहे हैं। आप देखिए किस किस सामान को यूज में लेते हैं हम कचौड़ी के लिए। मैं देखा चलिए पैकेट बनाना है, स्टार्ट करते हैं। इसमें इसमें मैं पूरे को ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन ले रही हूँ, इसे पीस के डालूंगी। इससे खुशबू अच्छी आएगी पीसे से। इसमें मैं 2 चम्मच से नमक डालूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार डालना। मोए के लिए मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इसमें ऐसे गड्ढा कर लूंगी। इसमें करीबन 3 चम्मच में मोए के लिए रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इसे सारी चीजों को मिक्स कर लेती हूँ पहले। ऐसे में मिक्स कर लूँ। काफ़ी देर लगती है मिक्स करने में। आप ऐसे ध्यान रखना, ऐसे लड्डू बन जाता है मोए से। ज़्यादा कम होता है तो कम डल जाता है रिफाइंड ऑयल, तो और डाल सकते हैं आप। वैसे नाप के डालते हैं तो कुछ भी कम नहीं पड़ता है। बिल्कुल, आप देखिए कैसा लड्डू बन गया है इसका। लड्डू जैसे बनाना है। इसमें के मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। ज़्यादा एकदम नहीं डालना, नहीं गीला हो जाएगा। कचौड़ी के लिए ज़्यादा टेंट नहीं लगता है आटा, बिल्कुल ना ज़्यादा ढीला लगता है, मीडियम लगता है। नॉर्मल आटा लगता है इसे, रोटियों को ले बनाते हैं आप, ऐसे ही आटा लगाना चाहिए। इसे काफी देर तक गूंथी लगाना चाहिए। अगर आपसे गलती से ही ज्यादा पानी हो जाता है तो उसमें और मैदा डाल के सही कर लीजिए। गीला आटा की कचौड़ी नहीं बनती है, ना ज्यादा टाइम। आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे गीले कपड़े से ढक देती हूँ 1/2 घंटे के लिए, जब तक लिए मैं मसाला बना लेती हूँ। इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालूंगा, बस 1 चम्मच बड़ा वाला। गर्म होने तक इंतजार करूंगी इसका, जब इसमें मैं जीरे का तड़का लगाऊंगी। गर्म हो चुका है, मैं इसमें जीरे को छोड़ देती हूँ। इसमें मैं राई छोड़ देती हूँ। पांच मैंने हरी मिर्ची लई है काट के बारीक वाली, इसे भी डाल देती हूँ इसमें। और उबले हुए आलू है पीस के मैंने इसे रख लिए है। आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मोटे नहीं रखना आलूओं को, बिल्कुल बारीक। इसमें मैं 2 चम्मच नमक डाल दूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार डालना। 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 मिर्ची ज्यादा डालते हैं हम, चटपटा बनता है मिर्ची जूस से अच्छा बिल्कुल। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। 1 कटोरी में इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन में प्याज से पहले डालती हूँ, सिक जाएगा अच्छा वाला। चूल्हे पे बना रही हूँ बिल्कुल स्लो आंच में, तेज में रखते हैं तो मसाला। अगर आप गैस पे बनाना चाहते हैं तो उसको भी स्लो रखना।
बिल्कुल सूखा मसाला बनता है, आप देखिए कि बिल्कुल सूखा हो गया, प्याजों से और भी सूखा हो जाएगा। इसमें प्याजों को भी छोड़ देती हूँ मैंने, आधे तो कद्दूकस करे मैंने प्याज, इसमें करीबन बहुत प्याज लिए मैंने, इसमें प्याजों की कचौड़ी बना रहे हैं इसलिए प्याज काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। इसमें बाद में सब चीज़ों के बाद में इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, इसके साथ में मैं हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी, तड़के में भी डालते हैं काफ़ी सारे, मैं तो ऐसे में मैं मसाले में डालती हूँ सबके बाद में, तड़के में नहीं डाली मैंने हींग, अभी डाली है। तैयार हो गया, देखिए प्याजों का अभी कलर चेंज हो गया है, ये मैं चूल्हे पर गर्म होने के लिए, ठंडा होने के लिए मैं रिफाइंड का पाउच डाल देती हूँ, करीबन 1 लीटर का है, मसाला ठंडा हो रहा है तब तक इसे गर्म कर लेती हूँ। मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे गोले बना लेती हूँ नींबू के आकार पे छोटे छोटे से। ऐसे आकार के बिल्कुल ऐसे ही सारे को बना लेती हूँ। आटे को भी देख लेती हूँ कैसा हो गया है, बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, इसे भी बनाते हैं ऐसे गोले बना लेती हूँ बिल्कुल हथरेटी की से दाब से। आप देखिए ऐसे बना के हाथ से मैं ऐसे कर लेती हूँ, हाथ से ही बढ़ा लेती हूँ। ऐसे बना लेती हूँ इसको, ऐसे लड्डू को इसमें रख के ऐसे गोल गोल घुमा लेती लीजिए। इसके एक्स्ट्रा को भी निकाल देती हूँ हाथ से और बढ़ा लेती हूँ। ये हाथ से बनाई है मैंने, ऐसे ही सारी ऊपर बना लेती हूँ। मैंने ऐसे 4 बना दिए, और बेलन से भी बनाती हूँ, आप देखिए कौन सी ज़्यादा फूलती है। पूरी जैसे बेल लेती हूँ इसे, अब जितना पतला करना चाहते हैं जितना पतली हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ, ऐसे करके वैसे करेंगे तो खुल जाएगी बेलने पर, ऐसे पूरी को मिक्स करके ऐसे दाब दीजिए, फिर इसमें बेलन लगा देती हूँ मैं हल्का सा। बेल लिए मैं, चलिए सेकते हैं इसे। ये हाथ की बनी हुई है, इसे मैं तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें एक एक करके मैं छोड़ देती हूँ बिल्कुल स्लो गैस चूल्हे को। इसमें मैं बिल्कुल स्लो चूल्हे को रखती हूँ मैं, अगर आप गैस पे बनाने जब बनाइए इसको कम आँच चाहिए कचौड़ी के लिए, बहुत स्लो रखना चाहिए इसे, जब ही सिकती है स्लो में सिकती है अच्छी। इसमें मैं आराम से इसे चेंज कर देती हूँ, बिल्कुल तैर के ऊपर आ गई है सिक पे सिकने पर,
धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है कलर। बिल्कुल आप स्लो चूल्हे को रखेंगे बिल्कुल खस्ती बनेंगी, अलग बिल्कुल नरम। अगर आप तेज रखेंगे तो जल जाएंगी, तो कच्ची रह जाएंगी अंदर से, स्लो में बिल्कुल अच्छी सिकेंगी। 15-20 मिनट लग जाती है ना सेक भी में। आप देखिए कलर कितना अच्छा हुआ है, बिल्कुल सिक गई है। इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसके एक्स्ट्रा तेल रिफाइंड ऑयल को भी निकाल लेती हूँ इसमें से। बेलन से बेली है उसे भी डाल देती हूँ। आप कमेंट करके बताना कौन सी अच्छी फूली है। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल फूली फूली। अब आप बताना कमेंट करके कौन सी अच्छी फूली है। ये तो हाथ से बनाई मैंने, ये बेलन से बेली है। आप देखिए कौन सी ज़्यादा फूली है, बिल्कुल फूली फूली। हम इसे चटनी के साथ में खाएंगे, शौक से मीठा वाला। आप अगर हरी मिर्ची की चटनी बांट के भी खा सकते हैं, आलू की सब्जी बना के खा सकते हैं। हम इसे शौक से खाएंगे, मीठी वाली चटनी है ये। आप देखिए इसे तोड़ के भी बताती हूँ आपको, बिल्कुल खस्ती बनी है, बिल्कुल नरम। आप देखिए बिल्कुल मसाला कितना अच्छा है।